बिहार सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर में दाता कंबल सा मजार पर शुक्रवार को चादर पोसी करने बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी राजद एमएलसी कारी साहब पहुंचे। इस दौरान मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि यहां शांति सद्भावना के लिए हमेशा से दुआ लोग मांगते रहे हैं और आज हमने भी दुआ मांगी है कि देश और बिहार में सुख शांति अमन चैन बना रहे और विकसित बिहार बने। वहीं राजद एमएलसी कारी साहब ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई सभी लोग मिलकर बिहार और देश की तरक्की करें और बिहार में सूखा है इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारिश हो किसान का बदहाली दूर हो। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे राजद के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष राय साहिद इकबाल मुन्ना पूर्व महानगर अध्यक्ष सह प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना जिला महासचिव अभिमन्यु कुमार यादव समेत अन्य दर्जनों राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। ध्यान नकल करो तुम करो भाई 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 बनने के बाद छात्र पोसी को लेकर आया। कांटी के सम्मानित जनता ने जो हमको स्नेह आशीर्वाद प्यार दिया था, आज हम बिहार सरकार के मंत्री के रूप में हैं। कांटी के सम्मानित जनता को हम शुक्रिया धन्यवाद देना चाहेंगे। पिछले बार हम पटना से आए थे लेकिन कुछ कारणवश चले गए थे। मुजफ्फरपुर के सरजमी पर दरगाह शरीफ हजरत दाता कमल साह चिश्ती रहमतुल्लाह का मुकद्दस मज़ार है और यहाँ सभी धर्मों के लोग यहाँ आते रहे हैं और हमेशा यहाँ शांति और सद्भाव के लिए दुआ की जाती रही है। तो आज ये महत्वपूर्ण पद पर हम बिहार वासियों के लिए, संपूर्ण देशवासियों के लिए अमन सुख चैन के लिए हम दुआ मांगने का काम किया है और शांति सद्भाव कायम रहे और बिहार विकसित बिहार बने, यही दुआ करने का काम किया है।